धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों व बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय राजीव सिंह परीक्षा, विधायक बबीना, सत्येंद्र सिंह परीक्षा भैया जी, अमित महाराज पालर व पंडित सुमित पटेरिया राजापुर। झांसी में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर गांव-गांव व क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम एकत्र पानी की जगह पर दवाइयों का छिड़काव कर रही है। वहीं डेंगू एवं मलेरिया के मरीजों के लिए जिला अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। झांसी के CMO दयाशंकर वर्मा ने बताया कि झांसी में अब तक 40 डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डेंगू के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं, तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम बराबर डेंगू के मरीजों पर निगरानी भी रख रही है। इसके साथ ही उन्हें डेंगू जैसी बीमारी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो वहीं जिला मलेरिया अधिकारी आर के गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक कुल 6 मलेरिया के मरीज मिले हैं, जो पूर्ण रूप से सही हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को डेंगू के मच्छर को न पनपने और इस रोग से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। वहीं अभी तक ऐसा कोई मरीज नहीं है जिसे भर्ती किया गया हो। सभी मरीज स्वस्थ हैं तथा सभी की निगरानी टीम जांच कर रही है। जनपद में वर्ष 2022 में केवल 6 मलेरिया के रोगी निकले हैं और ये 6 रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसमें जो 6 रोगी हैं वो आपके बामौर के, गुड़सराय के, बंगरा के और शहर के ये हैं, और इनका आमूल उपचार किया जा चुका है और वहाँ पर छिड़काव किया जा चुका है और स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा चुकी है, तो ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही जनपद में इस समय जो है जो डेंगू रोग जो चल रहा है, तो 51 जो है डेंगू के रोगी अभी तक पाए गए हैं, और जिसमें बड़ा गांव ब्लॉक में 16 हैं और जो नगर में हमारे 22 केस हैं, और जो चिड़गांव है, मऊरानीपुर है, गुड़सराय है, बामौर, वहाँ 1-1 केस हैं, और जहाँ पर भी डेंगू का केस निकलता है वहाँ पर हमारी टीम जाती है और डेंगू रोगी के आसपास 50-60 घरों में सर्वे करती है। वहाँ पर जो मच्छर एडीज मच्छर है जिसके द्वारा डेंगू फैलता है, ये साफ पानी में रहता है, तो वहाँ पर जो कूलर टंकी है इनकी चेकिंग की जाती है, और यदि वहाँ पर लार्वा पाया जाता है तो उनको नष्ट करा दिया जाता है। साथ ही उन जो मालिक है, मकान मालिक है, उनको एक नोटिस भी दिया जाता है कि आगे से मच्छर जनित स्थितियाँ पैदा न होने पाए। साथ ही जो हमारे पोस्टर पंपलेट्स, इनके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। जनपद में स्थिति नियंत्रण में है। डेंगू के मामले जिले में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी कंट्रोल की स्थिति में है। अभी तक हमारे पास 40 पेशेंट आए हुए हैं डेंगू के, सभी स्वस्थ हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से भी पेशेंट आते हैं वहाँ हमारी निरोधात्मक कार्रवाई चलती है। हमारी टीम और नगर निगम की टीम, और रूरल एरिया में अगर आते हैं तो नगर में ग्राम विकास की टीम लगती है और निरोधात्मक कार्रवाई करती है। सोर्स रिडक्शन होता है, जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ हटाया जाता है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है। साथ साथ हमारे अस्पतालों में बेड आरक्षित हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड आरक्षित है, जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित है, हमारे CSC पर 4 बेड आरक्षित हैं। तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम लोग भर्ती करेंगे या दवाइयों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। डेंगू साथ मलेरिया भी थोड़ा बहुत, मलेरिया के हमारे पास अभी 5 केसेस हैं, दोनों का तो निरोधात्मक एक ही जैसा होता है, और डेंगू के मच्छर अलग होते हैं, मलेरिया के मच्छर अलग होते हैं। छिड़काव कराया जा रहा है, नियमित रूप से अगर होता है तो बचाव होता है, और पानी कहीं इकट्ठा ना होने पाए। जहाँ भी साफ सुथरा पानी होता है, 2 दिन इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ डेंगू के मच्छर फैल जाते हैं। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।